रानी और शिखा दो अनाथ बहनें थीं। घर चलाने वाला कोई नहीं था। रानी बड़ी थी और वो अपनी छोटी बहन शिखा को अच्छे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। रानी सुबह 4 बजे उठती थी क्योंकि उसे घर घर न्यूज़पेपर बांटना होता था। उसके बाद जो पेपर बचते उन्हें वो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बेच दिया करती थी। एक दिन रानी सभी घरों में न्यूज़पेपर देने के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी अपनी खटारा साइकिल पर सवार होकर। आज आंख देर से खुली तो सब लेट हो गया। अगर ये बचे हुए न्यूज़पेपर मैंने टाइम से नहीं बांटे तो सब बेकार हो जाएंगे, रद्दी में जाएंगे फिर ये सब। नहीं नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। तभी अचानक रास्ते में रानी की साइकिल खराब हो जाती है। ओहो, इसे भी अभी खराब होना था। एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है, ऊपर से ये खटारा साइकिल, अब क्या करूं? तभी सामने से उसे दो आदमी हीरा और बाला आते दिखाई देते हैं। भैया, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरी ये साइकिल खराब हो गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रानी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिससे मदद मांग रही है वो असल में दो चोर हैं। दोनों चोर रानी को टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। इतने सुनसान रास्ते पर एक बेचारी अकेली लड़की, कुछ ठीक नहीं लगता। ए लड़की, तुझे पता नहीं कि हम दोनों चोर हैं? क्या हम तुझे शक्ल से चोर नहीं देखते? जो हमसे मदद मांग रही है, देख तेरे पास जितना भी माल है हमें दे दे, अगर जरा भी शोर मचाया तो ये रामपुरी चाकू तेरे अंदर होगा। ला, निकाल जल्दी। चोर भाई, मुझे जाने दो, और मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अगर होता तो भी नहीं देती। रानी वहाँ से अपनी साइकिल लेकर भागती है, पर वो दोनों चोर उसे भागकर फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी साइकिल को तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक देते हैं। रानी आते जाते लोगों से मदद मांगती है। मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी, मत तोड़ो मेरी साइकिल। इसकी साइकिल पर जो अखबार रखे हैं उसे भी फाड़ कर फेंक दे हीरा, तभी पता चलेगा इसे। नहीं, ऐसा मत करो, तो वो पेपर मेरी रोजी रोटी है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। रानी बिलखती रहती है पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। फिर रानी अकेले ही उन चोरों का सामना करती है, तभी हीरा पीछे से उसे चाकू मार देता है। चाकू लगते ही रानी तड़प तड़प कर वहीं फटे हुए अखबारों के बीच गिरकर मर जाती है। दोनों चोर रानी का खून करके वहां से भाग जाते हैं। रानी मर तो जाती है पर मरते ही चुड़ैल बन जाती है। हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब मेरी छोटी बहन मेरे बिना अकेली इस दुनिया में कैसे रहेगी? रोते रोते चुड़ैल अपने सभी न्यूज़पेपर के टुकड़े उठाने लगती है और उन्हें दोनों हाथों में लेकर बहुत रोती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मेरी मदद के लिए अगर कोई आगे आता तो शायद मैं बच जाती, और वो दोनों चोर दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, उन्हें ढूंढकर मैं उन्हें मार कर रहूंगी। रही बात इन पेपर की, अब ये न्यूज़पेपर ही मेरा सहारा बनेंगे, सबसे बदला लेने में मेरी मदद करेंगे। रात होने पर भी रानी घर नहीं लौटी तो शिखा को बहुत चिंता होने लगी। वो दरवाजे पर अपनी दीदी के घर लौटने की राह देख रही थी, पर उसकी दीदी देर रात तक भी नहीं आई। दीदी, आप कहाँ चली गई? रोज तो आप जल्दी घर आ जाती थी, पर आज क्या हुआ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, दीदी जल्दी घर आ जाओ। तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिखा चुड़ैल को देखकर बहुत डरने लगती है। दीदी, दीदी बचाओ मुझे, कहाँ हो आप? जल्दी आइए, हमारे घर में चुड़ैल है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी रानी दीदी हूँ, और मेरा ये हाल कैसे हुआ सब बताती हूँ। शिखा चुड़ैल की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। चुड़ैल के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कैसे मरी, सब शिखा को बता देती है। दीदी, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? वापस आ जाओ दीदी, मेरे लिए ही वापस आ जाओ। पगली, मैं तुम्हारे लिए तो वापस आई हूँ। शिखा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें बड़े शहर भेज रही हूँ हॉस्टल में पढ़ने के लिए। तुम अब से वहीं रहोगी। मैंने आज तक जो जोड़ कर पैसा रखा था, उन पैसों से अब तुम अपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करोगी और बड़े होकर डॉक्टर बनोगी। उसके बाद शिखा शहर चली जाती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। अब मेरा काम शुरू, ये न्यूज़पेपर मुझे लोगों में जो बांटने हैं। चुड़ैल अपनी वही टूटी फूटी साइकिल पर पेपर रख कर और अपना मुंह छिपाकर चल देती है बस स्टॉप पर। वहाँ एक आदमी जितेंद्र अकेला बैठा था जो बस के आने का इंतजार कर रहा था। अभी बस आने में बहुत टाइम है, तब तक तुम ये पेपर पढ़ो, ताजी ताजी खबरें पढ़ो और टाइम पास करो।
इस न्यूज़पेपर के तुम्हें बस 2 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारा न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। अरे साहब, 2 रुपए की तो बात है, आपको पता भी है आज पेपर में बहुत ही अच्छी खबर छपी है नौकरी के बारे में, कहीं वो खबर आपके मतलब की तो नहीं? मैं नौकरी ढूंढने के लिए ही जा रहा था और देखो नौकरी तो मेरे पीछे पीछे ही चली आई। एक बार देखना चाहिए इस पेपर में आखिर नौकरी क्या है। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रही हो तो लाओ दे दो एक न्यूज़पेपर। जितेंद्र के हाथ में न्यूज़पेपर थमाकर चुड़ैल मन ही मन मुस्कुराने लगती है। जैसे ही जितेंद्र उस न्यूज़पेपर को खोलता है, उस न्यूज़पेपर के अंदर से खून टपकने लगता है और देखते ही देखते वो न्यूज़पेपर के अंदर समा जाता है। कैसी लगी नौकरी साहब? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं और मेरा ये पेपर क्या करता है। रोज की तरह चुड़ैल अपनी साइकिल पर सवार होकर सबके घर में न्यूज़पेपर डाल देती है। उसमें से एक घर नीरज का होता है। नीरज को सुबह सुबह उठते ही पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीने की आदत थी। सुधा, ओ सुधा, आज का पेपर आया कि नहीं? तुम्हें पता है ना, मैं बिना पेपर पढ़े चाय नाश्ता नहीं करता। ओहो नीरज, तुम भी ना, जरा ध्यान से देखो, न्यूज़पेपर वही टेबल पर ही रखा है। नीरज को टेबल पर न्यूज़पेपर तो दिख जाता है, पर उस पेपर से खून टपक टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा होता है। ये देखकर नीरज बहुत डर जाता है। ये पेपर से खून जैसा क्या गिर रहा है? ये खून ही है या सुधा मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है मुझे डराने के लिए? शायद उसने इस पेपर में लाल रंग रखा होगा। वही टपक रहा है, पर मैं भी बहुत चालू हूँ, बिल्कुल भी डरने वाला नहीं। मुस्कुराते हुए नीरज पेपर उठा लेता है और जैसे ही उसे खोलता है, उस पेपर से चुड़ैल के 2 हाथ बाहर निकलते हैं और नीरज की गर्दन पकड़कर उसे पेपर के अंदर खींच लेते हैं। उसकी पत्नी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है तो उसे ना तो नीरज दिखाई देता है और ना ही वो न्यूज़पेपर। वो पेपर चुड़ैल के पास वापस आ जाता है। ये मेरा पेपर कोई साधारण पेपर नहीं है, ये एक खूनी पेपर है। एक एक को अपने अंदर समा लेगा, उन्हें मार देगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी किसी की। वहां से चुड़ैल सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और घूंघट की आड़ में रेल में बैठे लोगों को अपने न्यूज़पेपर बांटने लगती है। पेपर 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 साहब, पेपर लीजिए पेपर, इसे पढ़ते पढ़ते आपका सफर यूं ही कट जाएगा। ए लड़की, एक पेपर मुझे भी देना, बहुत दिन हो गए पेपर पढ़े बिना, आज आराम से ट्रेन में बैठे बैठे पेपर पढ़ूंगा। क्यों नहीं साहब, ये लीजिए, पर इसे अभी नहीं पढ़िएगा, जब ट्रेन चलनी शुरू होगी तभी पढ़ना इसे, तब इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। चुड़ैल पूरी ट्रेन में पेपर बांट देती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, रामलाल के पास में रखी चाय उस पर गिर जाती है। न्यूज़पेपर पर चाय गिरते ही चुड़ैल भी जल जाती है, वो तड़पने लगती है। मुझे बहुत ही ध्यान से रहना होगा, ये पेपर मेरी कमजोरी है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे भी होगा, जैसे उस चाय के पेपर पर पढ़ते ही मुझे जलन हुई। जिन जिन लोगों को चुड़ैल ने पेपर बांटे थे वो सब पेपर में समा चुके थे। उन सभी के गायब होने से आधी से ज्यादा ट्रेन खाली हो चुकी थी। दुनिया का एक एक कोना छान मारा, पर वो 2 चोर मुझे कहीं नहीं दिखे। उन्हें ढूंढते हुए काफी दिन हो गए और शिखा से मिले बिना भी मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं, उससे पहले ही मुझे अपनी बहन शिखा से एक बार मिल लेना चाहिए। चुड़ैल उसी वक्त शिखा के पास उसके कमरे में पहुंच जाती है। कैसी है मेरी प्यारी बहन, दीदी की याद नहीं आती तुम्हें? दीदी, आखिर आप मुझसे मिलने आ गई। एक बार मुझे वो दोनों चोर मिल जाएं जिन्होंने मेरा खून कर मुझे मारा, उन्हें मारकर मुझे चैन मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी फिर। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वहीं शहर में अपने पेपर बांटने लगती है। तभी अचानक उसे एक पार्क में वो 2 चोर बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। चुड़ैल लोगों में पेपर बांटते बांटते उन दोनों के पास पहुंचती है। न्यूज़पेपर ले लो साहब, आपके मतलब की खबर छपी है आज इसमें। तुम्हें कैसे पता कि हमारे मतलब की खबर कौन सी है? चोरों के लिए तो चोरी डकैती ही खबर अच्छी लगेगी ना। तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों चोर हैं? चुड़ैल फौरन अपना चेहरा दिखाती है। वो इसलिए पता है क्योंकि मैं वही अखबार बेचने वाली लड़की हूँ जिसने तुम दोनों से मदद मांगी थी और मदद के बदले तुमने उसे मार डाला, याद आया कुछ? जैसे ही उन दोनों ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, चुड़ैल ने दोनों के मुंह में न्यूज़पेपर ठूंस दिया। वो तब तक उन दोनों के मुंह में पेपर ठूंसती रही जब तक कि उन दोनों की तड़प तड़प कर मौत नहीं हो गई।
चुड़ैल एक आखिरी बार अपनी बहन से मिलती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।